पंडित जी बोल रहे थे कि सिर्फ 100 से 150 बंदे एक दिन में जाते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से। ओहो ओहो। और ये देखो शिव जी माँ पार्वती। लोगों ने जो ताले लगाए हैं उसमें कुछ कपड़ा बांधा हुआ है, पता चले कोई खोले और आत्मा उसके अंदर आ जाए। राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहीं पे हुई थी, निर्देशक थे राज कपूर। और ये हमारी भागीरथी नदी। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। और सुबह सुबह 7 बज रहे हैं अभी, और अभी माउंटेन्स में देखो कितनी बर्फ हुई हुई है। रात को तो 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया था जब मैंने अपने फोन में चेक किया था। बहुत ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा, अंदर ही चलते हैं। रात को इस डॉगी ने मुझे बहुत परेशान किया क्योंकि जो भौंकता रहा रात को, मैं सो भी नहीं पा रहा था। ये डॉगी अब आराम से सोया हुआ है, रात को मुझे नहीं सोने दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है आदित्य सरीन। कल आपने देखा कि मैं ऋषिकेश से हर्षिल कैसे आया, आज हम हर्षिल को एक्सप्लोर करेंगे। और रात को यहाँ पे बहुत ठंड हो गई थी, ऑलमोस्ट 1 डिग्री टेम्परेचर था, 1 डिग्री जब मैंने अपने एप्पल फोन में चेक किया। आज का प्लान ये है कि आज हम हर्षिल को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से पहले हम जाएंगे गंगोत्री। गंगोत्री के अभी कपाट बंद है, बहुत खूबसूरत है गंगोत्री धाम भी, तो वहाँ पर जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक मकुआ जगह है जहाँ पर गंगा जी की जो डोली होती है वो वहीं पर आती है, ठीक है, तो वहाँ वो भी एक्सप्लोर करेंगे। भगोड़ी गाँव है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, तो आज हम पूरा हर्षिल एक्सप्लोर करेंगे। और रूम मुझे जो मिल गया था वो आपको मैंने कल भी दिखाते थे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये रूम मुझे मिला था, ठीक है, जिसमें बेड है, इलेक्ट्रिक बेड है, वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है। इस रूम का जो अमाउंट पे किया वो है 2500 रुपीज़, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि हाइप बनी हुई है हर्षिल वैली की, यहाँ पे रूम मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया था। बस अभी ब्रेकफास्ट करूँगा क्योंकि ब्रेकफास्ट और डिनर मेरा इसी अमाउंट पर इंक्लूड है। ये कहूँगा कि इस वीडियो को जितना प्यार हो सके, जितना लाइक कर सके, जितना कमेंट कर सको कर देना, वायरल कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना अगर इस चैनल पर नया आया हो तो। बाइक देखते हैं एक बार पर स्टार्ट होती है या नहीं होती। देख लो पूरा ओस गिरी हुई है, और स्टार्ट करते हैं। एक बार में हो गया भाई, एक बार में। जय भोलेनाथ, जय माता दी। बंद हो रही थी बाइक, यहाँ से जाऊँ ना गंगोत्री। हाँ अंदर आए ना, तो ये वापस जाना। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है हर्षिल, और यहाँ पे होटल के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, बहुत। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने इसको इतना फेमस कर दिया है कि यहाँ पे एक एक रूम, जो छोटा सा रूम 1200-1500 से ज़्यादा नहीं चाहिए, उसके प्राइस 3000-2500 ऐसे है। ये देख रहे हो ये पूरी हर्षिल वैली है। हर्षिल वैली इतनी बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, देख हार्डली आधा किलोमीटर की भी मार्केट नहीं है ये। बढ़िया है, यहाँ पे आपको ATM मिल जाएगा आराम से, सब कुछ जरूरत की सामान सारी चीज़ें मिल जाएगी आराम से। ये नया पुल बना है, ये देखो भागीरथी नदी, जिसे मैं कल से गंगा बोले जा रहा हूँ, बट रुद्रप्रयाग में ये गंगा बनती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी जो मिलके। एक बात का मलाल हमेशा रहेगा कि यहाँ पे मुझे बर्फ़ देखने को नहीं मिली, अदरवाइज इस रास्ते में बर्फ़ होती है। आराम से चलाएंगे, ये रास्ता थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है मुझे। अच्छा हुआ यार मैं वार्मर, एक स्वेटर एक जैकेट पहन के आया हूँ, नहीं तो यार यहाँ पे ठंड बहुत होगी, आगे चल के तो और ठंड होगी क्योंकि ऊपर ही पड़ना है हमें अब। यार रियल में यार थोड़ा सा इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि इस रास्ते में स्नो होती तो मज़ा आता, एडवेंचर करने को मिलता। मिट्टी ना पूरे मुंह पे उड़ा के गया ट्रक वाला। यहाँ पे से यहाँ पे मैंने देखा दिल्ली यूपी के बंदे बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, देखो कैंपिंग की है इन्होंने रात को, नीचे कैंप लगा के रुके हैं। आजकल ना कैंपिंग बहुत फेमस हो गई इंडिया में भी, बहुत सारे यूट्यूबर्स अब कैंपिंग में शिफ्ट हो गए हैं।
बाइकर तो ना के बराबर आए हैं यहाँ पे, ना के बराबर। सिर्फ मेरे को लग रहा है मैं ही हूँ यहाँ पे बाइकर जो एक्सप्लोर करने के लिए निकला है हर्षिल को। अभी देख रहे हो अबे भाई ये क्या है, ये कैसे भागते आ रही है, देख रहे हो वो भाई, इसको क्या हो गया, डरा दिया इसने। आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगा, अगर आप हर्षिल की तरफ आ रहे हैं दिल्ली से तो आपको मलेटी या मलेरी एक गाँव है वहाँ पे पेट्रोल पंप लास्ट है, तो वहाँ पे भरवा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद कम से 60-70 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आपको ब्लैक में लेना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जनरली वीडियो पे लोग बताते नहीं है, लोग ये तो बता देते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है, बट जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है एक राइडर को या गाड़ी वाले को भी, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप मलेरी गांव है वहाँ पे भरवा लीजिएगा। हर्षिल में आपको ब्लैक में पेट्रोल मिलेगा जो बहुत महंगा है, लाइक अगर यहाँ पे 90 रुपये का पेट्रोल है तो वो 130-140 रुपये में आपको पेट्रोल देंगे। ओहो ओहो ओ भाई साहब, देख रहे हो पूरे ऊपर से आ रहा है यार, देखो बर्फ ही बर्फ। यार ये बर्फ थोड़ी अच्छी वाली होती ना तो मैं ऊपर चढ़ जाता रियल में यार। ओ भाई तो बड़ी टाइट बर्फ हो रखी है यार, बहुत ही ज्यादा टाइट बर्फ हो रखी है यहाँ पे यार, मजा आ रहा है यार। अगर मैं फैम में आया होता तो मैं ऊपर चढ़ जाता। नाइस, यहाँ से स्किट करते हुए आते मजा आ जाता यार, यहाँ पे बर्फ थोड़ी पोली पोली सी होती ना तो ऊपर जाता, नीचे स्किट करते हुए आते मजा आ जाता यार। एक बार हर्षिल ना हम सर्दियों में करेंगे, मतलब जैन फैब में, तो ये जो सड़क होगी ना बहुत खूबसूरत लगती होगी यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रियल में। देखो बाय बाय। चलो अच्छी बात ये है कि बीच में आइस नहीं है, अगर बीच में ब्लैक आइस भी होती ना जब मैं अगर थोड़ी दिनों पहले आता तो फिर चलाने में भी थोड़ा मुश्किल हो ही जाता है, अभी मैं आराम से चला सकता हूँ। नहीं तो जो 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है ना 16 किलोमीटर चलाने में, इसको कम से कम 1.5 घंटा लग जाता चलाने में। ओ भाई साहब लेफ्ट में बहुत गहरी खाई है यार, ये देखो एक और ग्लेशियर पूरा बर्फ से ढका हुआ है, देख रहे हो पूरा बर्फ से। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना अभी से ही और कमेंट कर देना प्लीज। क्या सुंदर नजारा लग रहा है यार, क्या ही सुंदर नजारा लग रहा है। कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है, कितना खूबसूरत। ये नदी बह रही है कहाँ से आ रही है उधर से। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा, अगर आप हर्षिल वैली आ रहे हैं तो हर्षिल वैली में सिर्फ जियो और BSNL का नेटवर्क चलता है, अगर आपके पास वोडाफोन का नेटवर्क है ना तो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे पास वोडाफोन का है और मेरे पास जियो की सिम है, तो जियो की सिम ही चल रही है। वहाँ से पानी आ रहा है छोटी सी, उसमें से गंगोत्री गुफा जो है बहुत आगे है, ठीक है उसके लिए ट्रैक होता है गोमुख जिसे कहते हैं, वैसे वो ग्लेशियर का पानी निकलता है ठीक है, बट इतना सारा पानी आज तक निकल रहा है, कुछ तो होगा वहाँ पे, है ना। सही लिखा है कर्म ही पूजा है। ओहो सामने देखो यार, उस टॉप पे देखो, टॉप पे अगर आपको दिख रहा होगा बादल टॉप पे बिल्कुल टकरा रहे हैं यार। यहाँ से तो एक फोटो लेते ही हैं, रुक रुक एक फोटो लेनी चाहिए यहाँ से। हम पहुंच गए हैं फाइनली गंगोत्री, देख रहे हो गंगोत्री। ये गेट है गंगोत्री का, अर्थकुंभ मेला 2016 का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो ये है द्वार गंगोत्री का और गंगोत्री यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये गेट पे प्रवेश करते हैं, यस यस फाइनली गंगोत्री पहुंच रहे हैं, गंगोत्री धाम, एक धाम पूरा हो रहा है मेरा, रामेश्वरम तो मैं कर ही चुका हूँ, गंगोत्री भी हो गया ये। अगर ये फैब में आते ना
तो यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल होता है, पूरा स्लिपरी, यहाँ पे बर्फ पड़ी होती है। देख लो सारी शॉप्स बंद है, सब कुछ बंद है, यहाँ पे होटल रूम सब बंद है। ये आपको खुलेगा मई में, एक दो शॉप्स खुली हुई है यहाँ पे, बाकी सारी शॉप्स बंद है। मैं वीडियो देख रहा था दो तीन लोगों की, भाई फिसल रहे थे यहाँ पे, फिसल देख रहे हो ये बर्फ। ये तो अभी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिसल रहा है पिछला टायर। यहाँ पे लोग मिट्टी डाल रहे हैं, यहाँ पे पार्किंग में लगा देंगे बाइक, ये रहा लास्ट। फाइनली गंगोत्री धाम पहुंच गए, गंगोत्री धाम पूरा खाली है यार, पूरा खाली है। अभी कपाट बंद है, ये कब खुलेगा कपाट? 10 मई को खुलेगा, 10 मई को। फाइनली दर्शन हो गया यार, आई नो कपाट बंद है पर कुछ नहीं होता, जब खुलेंगे तब भी आ जाएंगे, ठीक है। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खुश। और ये देखो शिव जी, माँ पार्वती और उनके ऊपर है गंगा मैया। शिव जी के अगर ऊपर देखोगे गंगा मैया की मूर्ति लगी हुई है छोटी सी, ये देखो गणेश जी भी है। यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये हमारी भागीरथी नदी, प्रवाह बड़ा तेज है यार। और गौमुख का रास्ता यहीं से ही है, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का ट्रैक है जो मई में होगा। पंडित जी बोल रहे थे कि सिर्फ 100 से 150 बंदे एक दिन में जाते हैं, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, फिर ही आप अंदर जा सकते हो। इस बार तो कर नहीं पाएंगे, अगली बार जब आएंगे तब हम करेंगे, ठीक है। गंगोत्री धाम के दर्शन हो गए हैं फाइनली, हमारे धाम फाइनली, एक धाम पूरा हो गया मेरा। हर्षिल से गंगोत्री आने में आपको सिर्फ 40-45 मिनट लगेंगे, जाने में भी उतना टाइम, एक घंटा आप लगा लीजिए। आपको गंगोत्री धाम घूमने के लिए चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, वो आप जितनी जल्दी कर सके, ठीक है, तो 2-3 घंटे में आप आराम से कर लेंगे। बट मैं बता रहा हूँ पीक सीजन में यहाँ पर बहुत जाम होगा। ये जो मैं पूरा जगह दिखा रहा हूँ ये हर्षिल है, आगे बगोड़ी गाँव है, बगोड़ी बोलते हैं या बगोड़ी। हर घर पर आपको कुछ ना कुछ पेंटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की फोटो हुई थी, तो यहाँ पे राज कपूर की फोटो है, ये दूसरे वाले का तो मुझे पता नहीं। तो ये है पोस्ट ऑफिस जिसकी मैं बात कर रहा था, राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहीं पे हुई थी, निर्देशक थे राज कपूर और शूटिंग स्थल हर्षिल। 1985 में इसकी शूटिंग हुई थी, देख रहे हो 1985 में। ये एक ब्रिज बनाया हुआ है जो हर्षिल वैली को पगौड़ी विलेज से जोड़ता है। आई नो आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, बट हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज, थोड़ा मैनेज कर लेना। हर्षिल से जैसे आप बगोड़ी विलेज की तरफ जाएंगे तो आपको SBI का बैंक भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ATM भी मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक का। और बगोड़ी विलेज से पहले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। ये मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिशक्ति माता मंदिर। ये है बगोड़ी विलेज का गेट और ये राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है 2019 में। छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे भी।
बगोड़ी गांव में जैसे आप चलेंगे तो यहाँ पे पौराणिक लाल देवता मंदिर भी है। यहाँ पे घंटियाँ बांधी हुई है लोगों ने और चंदी भी चढ़ाई हुई है। हवा तेज चल रही है तो आई नो गाइस आवाज़ में डिस्टर्बेंस तो ज़रूर होगी। यहीं पे एक बुद्धा टेम्पल भी है जो बंद है अभी, और यहाँ पे लकड़ियों के घर बने हुए हैं जो बिल्कुल ही बंद है। सुनसान इलाका है, बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे ये टेम्पल बुद्धा जी का बड़ी बंद हुआ हुआ है, कितना अच्छा आर्ट किया हुआ है। पूरा का पूरा गांव बंद है। यहाँ पे एक लड़की जा रही थी, वो बता रहे थे अगर आप मई जून में आते तो यहाँ पे आपको पूरे घर भरे हुए मिलते और यहाँ पे लोग भी मिलते आपको। गिर गया फिर से कहाँ गया जाना वाले? मैं दिल्ली। घर देखो यार कितना अच्छा बना हुआ है, लकड़ी का कितना अच्छा यूज हुआ हुआ है। लकड़ी इतनी महंगी लकड़ी होगी यार ये, और पूरा खाली है अभी। पूरा खाली है, लकड़ी देख लो यार कितनी सही लकड़ी है इसका यूज हुआ यहाँ पे। यहाँ पे ऑब्वियसली स्वेटर्स शॉल कहीं बिजनेस है, उन्हीं भेड़ बकरे पालते हैं उसी से ही सब कुछ ये ऊनी कपड़ा बनाते हैं। ये देखो लोगों ने जो ताले लगाए हैं उसमें कुछ कपड़ा बांधा हुआ है, हर ताले में कुछ ना कुछ कपड़ा बांधा हुआ है लोगों ने। देखे ना कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको ये करते होंगे, शायद पता चले कोई खोले और आत्मा उसके अंदर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। देखो ये तो खुला हुआ है, देख रहे हो। देखो अंदर पूरा खुला हुआ है। हर्षिल वैली और बगोरी गांव को एक्सप्लोर करके मैं वापस अपने होम स्टे आ चुका हूँ। अब यहाँ से जाएंगे मुकावा, एक विलेज पड़ता है जहाँ पे जो गंगा जी है उनकी डोली आती है, ठीक है, और कहते हैं 6:15 बजे वहाँ पे आरती भी होती है। तो मैं शाम को वहाँ पे जाऊँगा, सीधा वहीं पे पहुँचूँगा मोटो व्लॉगिंग पे, लाइक मैं पैदल पैदल ही जा रहा हूँ तो वहीं पे जाके आपको दिखाते सारा मुकावा गांव और आपके जो मंदिर है वहाँ पे बना हुआ और जो आरती होती है आरती देखने को मिल जाए, बस यही प्रे करेंगे, ठीक है। तो ये है गंगा माता मंदिर मुकावा में। यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी है अपनी, अब ऊपर चढ़ रहे हैं। अंदर वीडियो बना है तो मैं ये पे बंद कर रहा हूँ। आरती जो होगी मंदिर में वो ऑलमोस्ट होगी 7, अभी बज रहे हैं 5:25, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है। अभी सोच रहा हूँ मैं नीचे चले जाऊँ, ठीक है, रात भी हो जाएगी अंधेरा भी हो जाएगा और यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है हर्षिल, तो मैं कोई रिस्क नहीं चाहता। मंदिर देख लिया, मूर्ति देख ली और डोली भी देख लिया।